एक किलोमीटर जंगल में किसने फैलाया बिजली का नंगा तार जिसके कारण हुई मौत। चोपान थाना अंतर्गत जवारी डांड स्थित जंगल में बीती रात्रि बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर उपस्थित मृतक के मामा ने बताया कि रात्रि में बकरी को खोजने के लिए युवक घर से रात्रि में निकला था, उसी बीच जंगल में नंगे तार में बिजली प्रभावित करंट की चपेट में आ गया, जिसके कारण राकेश गोंड पुत्र किशुन 32 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पाकर सुबह ही PRB 112 के साथ साथ चोपन थाना इंस्पेक्टर फोर्स के साथ मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिजली का नंगा तार जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बांस के 2 फीट की खूंटी के सहारे लगाया गया था। जंगल के बीच जिन रास्तों से तार खींचा गया था, ग्रामीणों ने जंगल के बीच खोजते खोजते लगभग 300 मीटर तक गए, जहां खूंटी गड़ने के निशान पाए गए। वही चोपन थाना अध्यक्ष मैफोर्स द्वारा शव को कब्जे में लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अन्य कोई समस्या नहीं है। R9 भारत के लिए संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। का रूप है ये जो मृतक हुआ, वो क्या नाम है उसका? उसका लड़का का नाम राकेश। राकेश और उसके पिताजी का नाम श्री कुसुम। आपका क्या लगता था? हमारा क्या कहते हैं, बहनों लगते हैं, राम किशुन बहनों लगते हैं। तो राकेश जो लड़का मरा है, उसकी सूचना आपको कब मिली है? 1 बजे। तो आप उस समय आ गए थे यहाँ? नहीं आ पाए, वही 1 बजे हमको घर मिला। अच्छा, हम लगभग 2 बजे आए हैं। अच्छा, 2 बजे तक रात में आए थे। तो जहाँ अभी मिट्टी रखी गई है वहीं पे पड़ा था। कैसे, और घर वाले ने क्या बताया, कैसे पता चला? वो गए हम लोग के पास बताया। जैसे और भी घर में कोई होगा ना, कैसे पता चला? घर तो दूर होगा। घर दूर है। हाँ, जंगल में क्या करने आए थे? जंगल में वो बकरी खोजने आए थे बोल रहे थे। अच्छा, बकरी खोजने आए तो 7-8 बजे हमारा भयाने गए था जंग बाजार में, वहाँ से आया तो पिताजी को बोला कि बकरी भुला गया हमारा, उसी को खोजने निकला था। खोजने निकल गया और वो लोग आए दोनों आदमी, बाबू बेटा, वो आगे आगे लड़का चला फंस गया। ये सब बता रहे हैं, रिपोर्ट मिल रहा।